हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज अगर आप देखेंगे, मार्केट गिरती हुई दिखाई दी, क्रैश होती हुई दिखाई दी। नो डाउट मार्केट क्रैश हुई थी, बट यहाँ पर एक ग्रुप है, उसकी धज्जियाँ उड़ती हुई नजर आई। उस ग्रुप का नाम क्या है? अडानी। अडानी इंटरप्राइजेस 8%, अडानी पोर्ट 4%, अडानी ग्रीन 8%, अडानी विलमार लोअर सर्किट, अडानी पावर लोअर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन 5%, अडानी टोटल गैस 7%, अंबुजा सीमेंट, क्योंकि अंबुजा भी यहाँ पर अब किसने लिया है, लिया है यहाँ पर अडानी ग्रुप ने, तो यहाँ पर 5%, एसीसी 4%। तो क्या रीजन है कि यहाँ पर जो अडानी ग्रुप के शेयर है या अडानी ने जिनको एक्वायर किया है, स्टेक्स लिए है, या अडानी का नाम जिनके साथ भी है, यहाँ पर उनकी आज धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है? एक बहुत बड़ा कारण है, ओके, और हो सकता है कि इसकी वजह से ये जो स्टॉक्स है आपको बहुत ज्यादा गिरते हुए दिखाई दे, ये केवल एक ट्रेलर हो सकता है। ओके, आने वाले टाइम में ये शेयर में अच्छी खासी गिरावट और भी देखी जा सकती है। क्या रीजन है? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अडानी इंटरप्राइजेस है या अडानी पोर्ट है, ये यहाँ पर किस में आया है? ये निफ्टी 50 में आया, इस वजह से गिरावट हुई है, बट ये गिरावट की रीजन नहीं है। रीजन कुछ और है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे गहनता से कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें, मार्केट क्यों गिरी थी, उसके पीछे का रीजन, ओके, और क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कौन से शेयर भागेंगे, जाके यहाँ पर देख लीजिए। एज वेल एज यहाँ पर एक हमने कोर्स लॉन्च किया है, देखिए आपने हमारी एक्यूरेसी देखी है, आपने देखा है कि हम जो भी बताते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, मार्केट में एग्जैक्टली वैसा होता हुआ दिखाई दे सकता है, देता है, और उस तरीके से, किस तरीके से उसे पहले ही जज करके आप उसमें पोजीशन बना के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ओके, उसके लिए हमने क्या किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है, ओके, अगर बैच में सीखना है 10,500, 1-to-1 पर्सनल पूरा अटेंशन आपका, वैसे 15,000, और इसमें देखिए लोग केवल टेक्निकल एनालिसिस के हजारों रुपए ले लेते हैं, मतलब 50,000 60,000, बट आपको 15,000 रुपये में टेक्निकल भी सिखाया जा रहा है, और टेक्निकल किन स्टॉक्स पे करना है वो रिसर्च सिखाई जा रही है, इसके अलावा फंडामेंटल सिखाया जा रहा है, मनी मैनेजमेंट की, किस तरीके से एक जो कम पैसे कमाते हैं वो भी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वो क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर है, जाके कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ओके, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, डिटेल्स लीजिए। डिटेल्स लेने के बाद अभी कुछ दिनों में कुछ लोगों का 1-to-1 जो क्लासेस है खत्म होने वाली है, फीडबैक डालूंगा, फीडबैक को सुनिएगा, खुद बिलीव कर लीजिएगा कि क्या यहाँ पर सिखाया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे आज यहाँ पर अच्छी तरह उनकी पिटाई होती हुई दिखाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमने लाइन खींची, जैसे यहाँ पर से क्रॉस हुआ अच्छा पैसा, ओके, यहाँ पर सारे के सारे लेवल्स यहाँ पर से गिरता हुआ दिखाई दिया। तो किस तरीके से हुआ, क्या सपोर्ट है और क्या नजर आता है, उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अगर देखें तो अडानी, यहाँ पर आप देखेंगे अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा, ओके, एसीसी और अंबुजा को यहाँ पर क्या किया था, एक्वायर किए थे इसके स्टॉक्स, ओके, और जब एक्वायर किए थे तो क्या किया था उसने, सारे के सारे स्टॉक्स की प्लेजिंग कर दी थी, ओके, और कितने, लगभग $13 बिलियन की प्लेजिंग थी, और किस में किया थी, की थी ये प्लेजिंग करी थी इसने, किसके साथ में, हांगकांग ब्रांच किसकी, डच बैंक की, मतलब डच बैंक की जो यहाँ पर ब्रांच है हांगकांग में, वहां पर सारे के सारे शेयर्स यहाँ पर रख दिए थे अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी अपडेट ऑन द ट्यूजडे, मतलब रेगुलेटर पे है यहाँ पर, ओके, एनएससी बीएससी पे है। बिलेनियर गौतम अडानी लेड ग्रुप हैज इनकम्बर्ड इट्स 63.15% स्टेक्स इन अंबुजा सीमेंट एंड 56.7% स्टेक्स इन एसीसी, ओके, ऑफ विच 50% इज हेल्ड बाई अंबुजा टू द हांगकॉन्ग, यहाँ पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है इनके साथ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लेसिंग करी है इस पर्टिकुलर बैंक के साथ में, किसके साथ में, डच बैंक के साथ में। अब डच बैंक के साथ क्या होता हुआ नजर आ रहा है, तो डच बैंक के साथ यहाँ पर इशू होता हुआ नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो क्रेडिट क्रेडिट इशूज एंड डच बैंक एट डिस्ट्रेस वैल्यूएशन, मतलब इनकी जो वैल्यूएशन है इतनी बेकार हो चुकी है कि विच बैंक शुड यू अवॉइड, तो यहाँ पर क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ये दो बैंक है, ओके, हम बात करेंगे स्पेशली डच बैंक की, तो डच बैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है, एनएससी पे जो ये ट्रेड हो रहा है, ओके, 0.3x यहाँ पर
टेंजिबल बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है, डिस्ट्रेस वैल्यूएशन इसकी नजर आ रही है, ओके इवन सो फॉर यूरोपियन बैंक। तो इस वजह से यहाँ पर डच बैंक के साथ बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से, और इसने क्या किया है अडानी जी ने इस पर्टिकुलर बैंक के साथ यहाँ पर ये डील करी है, तो इसका इफेक्ट शायद यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जब इसका इफेक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकेगा तो कहीं ना कहीं क्या होता हुआ दिखाई देगा, ये शेयर जो अडानी ग्रुप के है यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर क्रैश हो सकते हैं, क्योंकि सभी आप जानते हैं कि इनकी वैल्यूएशन क्या है, सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप यहाँ पर क्या लेके चल रहा है, क्या दे रहा है। ओके यहाँ पर देखिए 372 के पीई पर चल रहे हैं, पीई यहाँ पर चलो मायने नहीं रखता, बट डेट देखिए कंपनी की, आप डेट देखेंगे 41,000 करोड़ का डेट। ओके अडानी ट्रांसमिशन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 372 का यहाँ पर वैल्यूएशन पी मल्टीपल पे है, 30,000 करोड़ का यहाँ पर डेट है। ओके यहाँ पर वैल्यूएशन अनाप शनाप प्लस में डेट भर भर के, अडानी ग्रीन एनर्जी 661 पी के मल्टीपल पे चल रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए रिजल्ट्स नेगेटिव में और 52,000 करोड़ रुपए का डेट। इसके अलावा अडानी पोर्ट थोड़ा सा सही नजर आता है, पी वैल्यूएशन ठीक है, बैलेंस भी यहाँ पर ठीक ठाक है, तो अडानी पोर्ट को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। ओके अडानी पावर देख लीजिए 14 के पी पर चल रहा है, ठीक है मल्टीप्लीकेशन, बट हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव में रिजर्व्स, ओके बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 48,000 और 49,000 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग है, एज वेल एज यहाँ पर अडानी पावर में, अडानी टोटल गैस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 1,000 करोड़ रुपये का यहाँ पर क्या है डेट है। कोई इशू वाली बात नहीं है, बट इसका पी देखिए ये 677 के पी पर चल रहा है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन नाम की जो चिड़िया होती है, ओके इतनी वैल्यूएशन हो सकती है, बट कंपनी अगर उस तरीके का काम कर रही हो, बट कंपनी उस तरीके का काम नहीं कर रही तो वैल्यूएशन फिर आपको यहाँ पर बिगाड़ सकती है। यहाँ पर देखिए इधर भी थोड़ा बहुत डेट है, तो मोस्टली कंपनीज क्या है, मोस्टली कंपनी यहाँ पर सही तरीके से चलती हुई नजर नहीं आ रही है, और यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज आएगी तो यहाँ पर जो शेयर है उसकी क्या होती हुई दिखाई देगी, बक्कल उधरती हुई दिखाई देगी, जो हमारे एक डायलॉग है उसके हिसाब से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से ये शेयर सारे के सारे प्लंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे शेयर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, आप देखिए कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती, कोई भी चीज लगातार नीचे नहीं जाती, कुछ लोगों ने यहाँ पर शेयर ले रखे होंगे बिल्कुल टॉप पे, हर एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स के यहाँ पर टॉप पे शेयर ले रखे होंगे, अब क्या होता हुआ दिखाई देगा, अब बड़े लोग इसमें पैसा डालेंगे, पैसा डाल के इस शेयर को थोड़ा सा भगाएंगे और ऊपर भगा के दोबारा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, तो आपको फंसना नहीं है। आप यहाँ पर शेयर अगर इसके आसपास भी आता है ना 3600 के आसपास, चुपचाप निकल जाइएगा थोड़ा सा लॉस लेके। ओके बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, बिलीव मी वैल्यूएशन कहीं भी मैच नहीं करती, और जो डेट है बहुत ज्यादा है। ओके आसपास अगर शेयर आता है चुपचाप निकल जाइएगा, अडानी पोर्ट फिर भी ठीक है, अडानी पोर्ट से रिलेटेड अगली वीडियो बनाऊंगा। ओके तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, बट ग्रीन एनर्जी यहाँ पर देखिए आसपास आता है चुपचाप निकल जाइएगा, ओके यहाँ पर आसपास आता है चुपचाप निकल जाइएगा, यहाँ पर चलो फिर भी ठीक है। पावर लोअर सर्किट लग गया है, ओके और यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट था यहाँ पर ट्रेंड लाइन वो तोड़ दिया है, चुपचाप यहाँ पर नीचे आ सकता है। ओके यहाँ पर देखिए अडानी ट्रांसमिशन, ओके 4100 वाला स्टॉक 3100 पे आ गया, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट है, बट स्टिल चीजें और नीचे आ सकती है, आपको सोच समझ के काम करना है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है शेयर निकलने की कोशिश करिए। अंबुजा ACC ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, बट सीमेंट में क्यों पैसा लगाना है, सीमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना, दूसरी चीजों में पैसा लगाइए ना, तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, और जो मार्केट में होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जंप आता हुआ दिखाई देगा, बट वो एक ट्रैप होगा, आपको लगेगा कि चीजें दोबारा भाग रही है, बट वो चीजें भागेगी नहीं, आपको ट्रैप करके जाएगी, तो चुपचाप निकल जाइएगा, वैल्यूएशन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, डेट भर भर के। कोर्स को एनरोल करना है, इसी तरीके की चीजें सीखनी है, कैसे चीजें नीचे के लेवल पे लेनी है और पैसा बनाना है। ओके टेक्निकल बेसिक्स टू एडवांस रिसर्च एलोकेशन सब कुछ फंडामेंटल, ओके 3 मंथ्स का कोर्स होगा, सॉरी एक पूरा कोर्स कराया जाएगा, 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग आपको दी जा रही है, स्ट्रेटेजी यूज जो स्टॉक मार्केट में होती है वो, और ऑनलाइन नोट्स आपको दिए जाएंगे, पढ़िए सीखिए, ओके अच्छा पैसा बनाइए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।